हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम। आज है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है? इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब इस पोर्टल के अंतर्गत क्या है? तो हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए, जो भी विदेशी भारत में आके फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए एक पोर्टल को विकसित किया है। उस पोर्टल का नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया। और इस पोर्टल के तहत क्या होगा कि जो भी विदेशी भारत में फंसे हुए हैं विदेशी पर्यटक, उनकी सेवाओं से जुड़ी हुई जानकारी जो है उस पोर्टल पे दी जाएगी। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है? जो भी डॉक्टर रिटायर होने वाले हैं उसकी सेवा में कुछ दिनों का विस्तार दिया जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित है, कोरोना की जैसी महामारी में फंसा हुआ है। तो इसमें जो भी रिटायर होने वाले डॉक्टर थे उनको सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है। ये किसने लिया है? राजस्थान सरकार ने। तो फ्रेंड हाल ही में राजस्थान सरकार ने मार्च से अगस्त में रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। जो वैसे डॉक्टर जो कि मार्च से अगस्त में रिटायर होने वाले थे उन्हें सेवा विस्तारित कर दिया जाएगा और उन्हें अब रिटायरमेंट सितंबर 2020 में मिलेगा। तो अब बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना आवश्यक है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मानसून के समय COVID-19 का प्रभाव कम हो सकता है? तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक अध्ययन के मुताबिक जो है वो अध्ययन किन्होंने किया है, तो मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो एक शोध किया गया है। इस शोध में पाया गया है कि मानसून अगर आएगी तो उसमें COVID-19 यानी कोरोना का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो शोधकर्ता है वो किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि कोरोना वायरस नमी के प्रति संवेदनशील होता है तथा नमी के मध्यम स्तर पर इनके पनपने की संभावना कम हो जाती है, यानी नमी बढ़ेगी जिसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। और इस कारण से अमेरिकी जो भी शोधकर्ता थे उनके द्वारा कहा गया कि ये जो COVID-19 कोरोना वायरस का प्रकोप है ये मानसून के समय में कम हो सकता है, एक अनुमान लगाया गया है। तो किनके द्वारा ये जो है किया गया है? अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए जानना आवश्यक है, जैसे कि अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? Washington DC में। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक्सपायर हो चुके सभी ड्राइवरी लाइसेंस और व्हीकल डॉक्यूमेंट को कब तक वैध करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 30 जून तक। जितने भी एक्सपायर हो चुके हैं ड्राइवरी लाइसेंस या तो फिर व्हीकल डॉक्यूमेंट जैसे कि RC हो गया, तो ये जितने भी व्हीकल से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट है जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको जो है ये कोरोना के कारण जो है, कोरोना का जो आपातकाल अभी है उनके कारण जो है 30 जून तक जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी एक्सपायर हो चुके ड्राइवरी लाइसेंस तथा व्हीकल डॉक्यूमेंट को 30 जून तक वैध करने की घोषणा की है। एक्सपायर अगर हो भी गया है तो 30 जून तक जो है आप उन पर यात्रा कर सकते हैं। लॉकडाउन तथा सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद होने के कारण यह फैसला लिया गया, क्योंकि सभी कार्यालय बंद हैं तो ऐसा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है 7.6%। आप सभी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो है ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 4 दिसंबर 2014 को। और इसमें जो ब्याज लगी थी वो ब्याज लगती थी वो 8.4% और उसे घटाकर अब 7.6% कर दिया गया है। तो लॉकडाउन के बीच
छोटी बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज में बड़ी कटौती की गई है, ब्याज में कटौती कर दी है, जिसके अनुसार अप्रैल जून जो तिमाही है उस तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड खातों में, यानी कि ये खातों के कुछ नाम दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखने चाहिए। जैसे कि पहला हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता, दूसरा हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और तीसरा हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये जितने भी इस प्रकार के खाते हैं उसके ब्याज दरों में कमी कर दी गई है। ये क्यों की गई है? तो लॉकडाउन की वजह से। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास 51 शक्तिपीठों की प्रतिकृति वाला दुनिया का पहला मंदिर बन जाएगा? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध शक्ति, राज्य का नाम बताना है, और वहाँ पे स्थित है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, और उसके पास जितने भी शक्तिपीठ होते हैं, हर एक मंदिर का अपना शक्तिपीठ होता है, तो जितने भी शक्तिपीठ हैं 51 शक्तिपीठ, उसकी प्रतिकृति वाला दुनिया का पहला मंदिर बन जाएगा। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हाल ही में त्रिपुरा में प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास 51 शक्तिपीठों की प्रतिकृति वाला दुनिया का पहला मंदिर बनाने की घोषणा की गई। अब बात आई त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में जानेंगे, त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है? तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है? अगरतला। उसके बाद फ्रेंड त्रिपुरा से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगरतला जो है वो सबसे बड़ा शहर है त्रिपुरा का, और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो है अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद इससे कुछ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चूंकि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसी कारण से 1 अप्रैल को ही रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इससे पहले इसका कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से इसे बम्बई यानी मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो फ्रेंड और भी इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ICICI बैंक। कहने का तात्पर्य है कि बैंकिंग सेवा ICICI बैंक ने क्या किया है कि अभी चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस समय बैंकों में जाके भीड़ लगाना खतरे से खाली नहीं होता है, वो बहुत ही जोखिम भरा काम होगा। इसके लिए क्या किया है ICICI बैंक ने? व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। व्हाट्सएप पर ही जो है ICICI बैंक खाते से जुड़ी हुई जानकारियाँ देगी, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ या तो फिर जो भी बैलेंस, अंतिम लेन देन, क्रेडिट कार्ड की सीमा या तो फिर जो भी शेष राशि है, इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है ICICI बैंक व्हाट्सएप के माध्यम से देगी। इसके लिए क्या करना होगा कि हाल ही में भारत के प्रमुख निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसमें ग्राहकों को अपने कॉन्टैक्ट में ICICI बैंक के सत्यापित व्हाट्सएप प्रोफाइल नंबर को सेव करना होगा। तो व्हाट्सएप पर ICICI बैंक का सत्यापित व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद जो है हमें खाते की शेष राशि, अंतिम लेन देन, क्रेडिट कार्ड की सीमा जांचने से
और भी बहुत सारी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं हमें प्रदान की जाएगी। और बात आई आईसीआईसीआई बैंक की, तो मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लूँ। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? जून 1994 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन कौन है? संदीप बक्सी। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन संदीप बक्सी। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस एक अलग चैनल की शुरुआत की है? यहाँ चैनल की बात की जा रही है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 1 अप्रैल से जितने भी गैर निवासी भारतीय हैं, जो कि भारत में निवास नहीं करते हैं, उसके लिए एक सरकारी बॉन्ड जारी किया है और एक चैनल की शुरुआत की है। तो उस चैनल का नाम क्या है? उस चैनल का नाम है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि कुछ निश्चित श्रेणियों में बिना किसी प्रतिबंध, यानी कोई प्रतिबंध नहीं, और बिना किसी प्रतिबंध के सरकारी बॉन्ड पूरी तरह से गैर निवासी भारतीयों, भारतीय निवेशकों के लिए खोले जाएं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि सरकारी बॉन्ड क्या होता है। सरकारी बॉन्ड क्या होता है? सरकारी बॉन्ड एक प्रकार की गारंटी होती है। सरकारी बॉन्ड एक प्रकार की गारंटी होती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये गारंटी जो है कौन दे रही है? सरकार दे रही है। किसको दे रही है? गैर निवासी भारतीय निवेशकों के लिए। इसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 2 अप्रैल, यानी कि कल मनाया गया। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रत्येक वर्ष। और फ्रेंड इससे पहले आप ये बात जान लें कि ये आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस क्या है। कितनों को हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे। ये कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व भर में विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है बच्चों तथा बड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को प्रोत्साहित करना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी सदस्य राज्य हैं उसे प्रोत्साहित करना बच्चों तथा बड़ों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लेके आया था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।